इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए एंड बीएससी के बारे में, या फिर आप इस वीडियो को ऐसे भी कर सकते हो, बीए वर्सेस बीएससी दोनों क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, बीए कौन कर सकते हैं, बीएससी कौन कर सकता है, और दोनों की फ़ीस कितनी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों को करने के बाद करियर ऑप्शन किस में ज़्यादा अच्छा है, किस में आपका फ्यूचर ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीए अच्छा है कि बीएससी अच्छा है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, बीए और बीएससी दोनों यूजी कोर्सेज हैं, दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, और दोनों को करने के लिए ज़रूरी है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है कि बीए और बीएससी, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। दोनों कोर्स 3 साल के भी हो सकते हैं और 4 साल के भी हो सकते हैं। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी की कि बीए कौन कर सकते हैं, बीएससी कौन कर सकता है। तो देखो अगर आपने क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम लिया था तो दोस्तों आप बीएससी भी कर सकते हो और बीए भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम नहीं ली थी, आर्ट्स लिया था या फिर कॉमर्स लिया था, तब दोस्तों आप बीएससी नहीं कर सकते, आप बीए ही कर सकते हो। यानी कि बीएससी करने के लिए ज़रूरी है कि आपका क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे करियर ऑप्शन के बारे में कि किस में ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है, किस में आपका फ्यूचर ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से एडमिशन होगा बीए में या फिर बीएससी में। तो देखो गाइस, दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम है। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो आप उसमें अप्लाई कीजिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे रैंक से तो दोस्तों आपको उसमें एडमिशन हो जाएगा। या फिर बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, यानी कि क्लास 12 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनका एडमिशन पहले हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों का एडमिशन जो प्रोसेस है वो सेम होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है फीस के बारे में कि फ़ीस कितनी होती है। तो देखो गाइस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीए या फिर बीएससी करते हो तो फीस इसकी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम बीए कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इसके 1 साल की जो फ़ीस होती है 6 से 7 हज़ार रुपये होती है। अगर हम लोग बीएससी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इसकी जो 1 साल की फ़ीस होती है 7 से 8 हज़ार रुपये हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी फ़ीस किसी किसी में 2 से 2.5 हज़ार ही होती है, किसी में 10 से 12 हज़ार भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का गवर्नमेंट कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, यानी कि जितनी आपकी फ़ीस लेगी उतना आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर वहीं पे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, तो यार प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है। अगर आप बीएससी करो तो आपकी फ़ीस 1 साल की 20 से 25 हज़ार रुपये हो सकती है, किसी में थोड़ी कम भी हो सकती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट कॉलेज से अपना ये कोर्स करो, उस कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कॉलेज की क्या फैकल्टी है। तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा वेरी हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि करियर ऑप्शन के बारे में कि किसको करने के बाद ज़्यादा करियर ऑप्शन है, बीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बीएससी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, दोनों में करियर ऑप्शन की कमी नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से पढ़ाई की, तो दोस्तों आपको आसानी से कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी और आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हम जान लेते हैं कि बीए करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो गाइस, बीए करने के बाद अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो आप टीचर बन सकते हो। बीए करने के बाद आप बीएड कर लीजिए, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो दोस्तों आप बीए करने के बाद बन सकते हो। अगर आपको पुलिस में जाना है तो भी आप बीए करने के बाद पुलिस में जा सकते हो। अगर आपको आर्मी में जाना है आप आर्मी में जा सकते हो। अगर एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो। आप रेलवे में जा सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, और भी जितने भी फील्ड आप लेक्चरर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, यानी कि सभी फील्ड में करीब करीब आप बीए करने के बाद जा सकते हैं। अब बरेती बीएससी के बारे में कि बीएससी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, आप बीएससी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप एमएससी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी कीजिए। इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। उसके अलावा आपको भी अगर बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी के थ्रू जॉब पानी है तो उसमें भी आप जा सकते हो। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो बीएससी करके भी और बीए करके भी, यानी कि बहुत कुछ आप कर सकते हो, लगभग सब कुछ कर सकते हो।
तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में ना सोचा करो आपकी बीए करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन नहीं है, आपका करियर सेटल नहीं हो सकता। भाई बिल्कुल सेटल्ड हो सकते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए से पढ़ाई की, उसके बाद उनकी देखिए आज कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी तरीके से उनका करियर सेटल्ड है। तो दोस्तों करियर ऑप्शन दोनों में है, अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको आगे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस हाँ आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बीए क्या होते हैं, बीएससी क्या होते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।